बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का पेपर हैकर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेके आए हैं। इस पेपर का नाम हो जाएगा, सिंपल तरीके से आपको पता होगा, इस पेपर का नाम है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे और उनके भारतीय संविधान, मतलब भारत के संविधान के बारे में बताया गया है और भारत के अंदर जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बनते हैं इस पेपर में पॉलिटिकल साइंस में। जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है और जिनका भी MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली है उनके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके पेपर में छप रहे हैं। आप इन क्वेश्चनों के अलावा कुछ और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 2022 के में एग्जाम में 85% प्लस लाएंगे, मतलब कि आप टॉप करने वाले हो, टॉपर बनोगे 2022 के पेपर में। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को, और इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे। आज बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में, और जो भी पेपर आता है आप सभी लोग जैसा ही आपका पेपर होता है हमारे व्हाट्सएप नंबर 7037327838 पर हमें तुरंत ही तुरंत उस पेपर का फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर देंगे ताकि मैं उस पेपर को सोल्यूशन बता सकूं और आपको सिंपल तरीके से कह सकूं कि ये क्वेश्चन कैसा बना था, देख सकते हैं आप। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और आपको ये तो पता होगा कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बेटा 3 क्वेश्चन बनते हैं। टोटल आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, 14 क्वेश्चन आपसे दिए होते हैं टोटल पेपर में और 10 क्वेश्चन उसमें से करने होते हैं। अब मैं बात करूँगा पहला क्वेश्चन आपको क्या पढ़ना चाहिए यदि आप पॉलिटिकल साइंस ले रखा है। पॉलिटिकल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्राचीन भारत है उसमें हमारा वर्तमान में जो भारत है उसकी राजनीतिक विशेषता क्या है, ठीक है, उनके लक्षण के बारे में आपको बता देना है, मतलब राष्ट्र कह सकते हैं राजनीतिक चिंतन की विशेषता के बारे में। अब भारत देखो दंड क्या है, दंड क्या होता है आप जानते हैं, सजा जैसे देना, प्लेसमेंट बोलते हैं ना, तो सजा देना, दंड क्या होता है, कितने प्रकार की भारत के अंदर दंड दे रखे हैं, तो हमारे संविधान में दंडों के जो हम दंड दे सकते हैं हमारे, तो वो हम 5 प्रकार के दंड दे सकते हैं, ठीक है। पहले 6 प्रकार के थे, 1 दंड को हटा दिया गया है, तो वो चीज़ हमें याद करना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं मत्स्य न्याय क्या होता है, धर्म क्या होता है, राजधर्म किसे कहते हैं और नीति शास्त्र क्या होता है। ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 85% प्लस आपको मिलेगा, मतलब 2022 में आप टॉपर करने वाले हो, टॉपर बनने वाले हो। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पेपर हैकर को। अब देखो दूसरी बार में हमें क्या याद करना है, समझ लेना मेरे ध्यान से, चुपके से देखो ये वीडियो। अब यहाँ क्या करना है, भारत में राष्ट्रवाद का, देखो राष्ट्रवाद जो है ना विकास कैसे हुआ था, भारत के अंदर राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, राष्ट्रवाद का मतलब होता है सब लोग एक कैसे हो गए, बताइए ये आपसे पूछता है, ठीक है। उसका कारण क्या था, देखा उदय होने का कारण क्या था, उसके बाद में आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके कारण क्या थे। आप ये देखेंगे स्वदेशी आंदोलन क्या होता है, मैं जो छुड़वाने का होगा वो मैं आपको छुड़वा दूंगा, आप ध्यान से सुनते रहिए। और 1885 राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में वो कैसे हुई थी, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन देखना है असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका क्या रही है, महात्मा गांधी की भूमिका क्या रही है, और अभिज्ञा जो आंदोलन था दांडी यात्रा की गई थी वहीं उसके परिमाण उनके घटक के बारे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है ये देख लेना कि घटना कौन कौन सी हुई थी, ठीक है, अवज्ञा आंदोलन में। उसके बाद में आता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था ये, इसके कारण क्या थे, उपलब्धियों के बारे में आपको याद कर लेना है। उसके बाद में भारत का विभाजन कैसे हुआ, भारत का विभाजन आपको पता है भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे तो ये भारत का विभाजन हुआ था। अब बंगाल का विभाजन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बंगाल का विभाजन भी याद कर लेना, लास्ट में क्वेश्चन बताऊंगा। आप जानते हैं प्रस्तावना किसे कहते हैं, तो देखो प्रस्तावना यहाँ बोला गया है कि भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, स्रोत का मतलब होता है जो भी हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देश तत्व है, भारत मौलिक अधिकार और संविधान में संशोधन की प्रणाली है, तो ये दूसरे देशों से लिए गए हैं। तो यहाँ बोला गया है कि भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान को उदार का थैला क्यों कहा जाता है, बेटा भारतीय संविधान को उदार का थैला इसलिए कहा जाता है कि वो क्या है, जैसे कि जितने भी हमारे पॉइंट मैन मैन पॉइंट है संविधान में रखे गए, आपको बताएं भारतीय का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, ठीक है। अब जब लिखित संविधान है तो आपको ये पता है तो उसमें क्या होता है, जब लिखित संविधान होता है तो उसमें क्या, हमने जितने अच्छे अच्छे देश थे उन देशों की जो जो विशेषताएँ थी, ठीक है, कानूनी विशेषताएं थी, जो अभी उनके संविधान में अच्छी अच्छी चीज़ें लगी वहाँ से हमें लिया गया, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, संशोधन प्रणाली अफ्रीका से लिया गया, नीति निर्देशक फ्रांस से लिया गया, तो ये चीज़ हमें देखने पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आत्मा बंधन को ना, जो मैं क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ उसको छोड़ देना है, उसके बाद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को याद कर लेना है, ठीक है, आर्टिकल 3 में आते हैं, भाग नंबर 3 में, ठीक है, और ये 12 से लेकर 35 तक होते हैं। ये देखिए मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है
ये नीति निर्देश तत्व का मतलब नीति निर्देश सिद्धांतों का वर्णन करना होता है, ठीक है। ये आप देखेंगे, ठीक है, ये भाग नंबर 4 में दे रखे हैं और मूल कर्तव्य भाग नंबर 4 के काम में दे रखे हैं। ये 36 से लेकर नीति निर्देश तत्व जो होते हैं वो आर्टिकल 36 से लेकर, याद रखना, आर्टिकल 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 36 से लेकर 51 तक होते हैं। 51 के काम, 51 के काम जो है वो मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आता है भारतीय संविधान का संशोधन प्रक्रिया। तो देखो भारतीय संविधान का संशोधन कैसे होता है, आर्टिकल 368 में बोला गया है, ये अफ्रीका से लिया गया संशोधन प्रणाली, कि कोई भी चीज मतलब आपको संशोधन करना है किसी भी आर्टिकल में, कुछ नया कानून लेके आना है तो आपको संविधान में संशोधन कर सकते हो आर्टिकल 368 के थ्रू। जब राष्ट्रपति उसको और संसद उसको क्या करती है, पार्लियामेंट में मतलब कि संसद होती है उसमें ये चीज पेश किया जाता है वित्त को, ठीक है, उसके बाद में विधेयक बन जाता है वो, ठीक है, याद रखना ये चीज हमें देखनी पड़ती है। वहीं आपको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनके कार्यों के बारे में याद, ठीक है। उसके बाद में प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होती हैं याद करेंगे, और राज्यपाल की शक्तियां क्या होती हैं याद। खिलाफत आंदोलन इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन को आपको रट के जाना है। उसके बाद में आता है विधानमंडल क्या होती है, विधानमंडल की शक्तियां जानते हैं, विधानमंडल दो चीजों से मिलकर बना होता है, विधान परिषद विधानसभा से, और राज संसद किससे मिलकर बना होता है, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बना होता है। एक होता है धन विधेयक और वित्त विधेयक, आर्टिकल 310 आर्टिकल 317 सॉरी 110 और 117 में, ठीक है, धन विधेयक और धन विधेयक का वर्णन किया गया है, ठीक है, धन विधेयक और वित्त विधेयक का वर्णन किया गया है। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय, आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं और उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट बोला जाता है। इन दोनों के बारे में अच्छी तरीके से आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना, इन दोनों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद में चोरी चोरा कांड के बारे में पढ़ के जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, चोरी चोरा कांड, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आप देखना, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जलियांवाले बाग के हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ कर देता हूँ, और आपको बोला गया, यहाँ बोला गया है 1905 का जो बंगाल का विभाजन हुआ था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, चुनाव आयोग को पढ़ लेना बस, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे, मतलब कि आप टॉप बनने वाले हो। बस चुपके से वीडियो को देख लेना, और हो सके तो अपने दोस्तों को बता देना, क्योंकि यार वो भी पास हो जाए, उन्हें थोड़ी फेल करना चाहोगे तुम लोग, तो उन्हें भी थोड़ा सा मिस छोटा सा ना लिंक तुरंत इस वीडियो को शेयर कर देना। कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।